गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव और मैं हाजिर हूँ आपके सामने 27th May को 26th सेशन के साथ। ठीक है, और शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कैसे, कोट के साथ। और ये कोट है आपके सामने, द विल टू विन, यानी जो जीतने की विल है, इच्छा शक्ति है, द डिजायर टू सक्सेड, और जो सफल होने की इच्छा है, द अर्ज टू रीच योर फुल पोटेंशियल, और जो आपके अंदर अर्ज है, चाहत है टू रीच योर फुल पोटेंशियल, कि आप अपनी पूरी क्षमता को दिखाएं, दीज आर द कीज दैट विल अनलॉक द डोर टू पर्सनल एक्सेलेंस, यानी यही वो चाबियां हैं दैट विल अनलॉक द डोर टू पर्सनल एक्सेलेंस, जो आपकी अपनी व्यक्तिगत जो एक्सेलेंस श्रेष्ठता है उसके लिए, दीज आर द कीज, ये क्या हैं, चाबियां हैं जो इस पर्सनल एक्सेलेंस के दरवाजे को अनलॉक करेंगे, मीन्स उसे खोलेंगे। अर्थात समझ रहे होंगे बच्चों कि अगर आपके पास एक ऐसी इच्छा शक्ति है जिसे आप जीतना चाहते हो, एक ऐसी चाहत है, इच्छा है जो आपको सफल होते देखना चाहती हो, द अर्ज टू रीच योर फुल पोटेंशियल, एक ऐसा आग्रह हो, एक अर्ज हो आपके अंदर, चाहत हो जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करते हो, दीज आर द कीज, एक्चुअली यही वो चीजें हैं, यही वो चाबियां हैं जो आपके पर्सनल एक्सेलेंस के दरवाजे को क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। यानी अगर आप अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता दिखाना चाहते हो तो हमेशा जीतने की क्या रखें, इच्छा शक्ति रखें, और सफल होने के लिए क्या रखें, हमेशा डिजायर रखें, और अपने फुल पोटेंशियल को शो करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या रखें, एक अर्ज रखें। ठीक है, इसी विल, इसी डिजायर और इसी अर्ज के साथ हम बढ़ते हैं आगे, और ये हमारे सामने वो वर्ड्स हैं जो आपको बताने हैं। तो जल्दी जल्दी हमको फटाफट बता दें कि प्रोक्योरमेंट का सरनेम इसमें से कौन सा होगा, लैंग्विश का सरनेम क्या होगा, और इंसेंटिव का सरनेम क्या होगा, बताएं जल्दी जल्दी। प्रोक्योरमेंट याद है आपको, प्रोक्योरमेंट प्राप्तियां, उपलब्धियां, जो चीजें आपको प्राप्त होती हैं वो आपकी प्रोक्योरमेंट्स होते हैं, तो क्या हो जाएगा, अटेनमेंट। लैंग्विश याद है, वर्ब के रूप में जब आपकी क्षमता, आपकी शक्ति क्या हो जाए, छीण होने लगे, तो आप लैंग्विश कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, आप वीकेंड कर रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं आप। इंसेंटिव याद है, कंपनी लोगों को इंसेंटिव्स देती है ताकि लोग और बेहतर परफॉर्मेंस दें, तो इंसेंटिव कोई प्रेरक चीज, कोई प्रेरणा के लिए दी जाने वाली चीज, तो इंसेंटिव क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स आपको जो कल पढ़ाए गए थे, पैलिएटिव, नाउन के रूप में पढ़ाया गया था, पैलिएटिव याद है आपको, पैलिएटिव वो चीज जो शामक का काम करे, शांत करने का कार्य करे, दबाने का, दर्द वगैरह को कम करने का काम करे, तो पैलिएटिव क्या हो जाएगा, सोदिंग, जो राहत दे, सांत्वना दे। रिम्यूनरेटिव क्या था याद है, रिम्यूनरेशन मैंने पढ़ाया था, पारिश्रमिक के रूप में, तो रिम्यूनरेटिव जो लाभदायक हो आपके लिए, लाभकारी हो, वो रिम्यूनरेटिव होता है, मीन्स क्या होगा, वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। रेंडर क्या होता है, प्रदान करना, रेंडर मीन्स प्रदान करना, देना, प्रस्तुत करना, तो क्या हो जाएगा इसमें से, फर्निश हो जाएगा, प्रदान करना। टेक इन टू अकाउंट, बहुत बार आप एडिटोरियल में पढ़े होंगे, टेक इन टू अकाउंट मीन्स किसी चीज को संज्ञान में लेना, संज्ञान में लेना, ध्यान में ले आना, तो क्या हो जाएगा इसमें से, याद है, टू कंसिडर आर रिकॉर्ड। ओवर एंड अबव मीन्स क्या है, किसी चीज से ज्यादा, जितनी जरूरत हो उससे अधिक, तो क्या हो जाएगा, मोर देन रिक्वायर्ड। ऑन अ वार फुटिंग, जब एक युद्ध स्तर पे कोई चीज हो रहा होता है, इट इज गोइंग ऑन अ वार फुटिंग, तो वार फुटिंग क्या हो जाएगा यहां पे, टू बी रेडी टू फाइट अ वार। ये वोकैब है आपके सामने बच्चों, ये जो आप वर्ड्स करते हैं अभी जो मैंने कराया, जब पीडीएफ की शीट में पीडीएफ डाल देता हूं, अपलोड कर देता हूं टेलीग्राम के चैनल पे, तो वहां से भी आप पहले सपने से करके देख लिया करें कि आपने कितना अपने से कर लिया, कितना आपका तैयार था, इससे भी आपको एक बूस्ट मिलेगा, मीन्स इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो पहला वर्ड हमारा है टेक ऑफ। टेक ऑफ तीन होता है बच्चों। पहला टेक ऑफ क्या होता है, जब आप घर में प्रवेश करते हैं
और कोई आपसे कहता हो जूते उतारो, अपने कपड़े उतारो, चलो नहाओ धो, तो वो उतारना क्या होता है? टेक ऑफ। मीन्स कपड़े उतारना, जूते वगैरह उतारने के सेंस में आप टेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक और टेक ऑफ होता है जो आप जानते हैं, जहाज जब उड़ान भरती है तो वो टेक ऑफ करती है, और जब उतरती है तो क्या करती है? लैंडिंग करती है। ध्यान रखिएगा, तो दूसरा टेक ऑफ क्या हो गया? जहाज का उड़ान भरना। और एक और टेक ऑफ होता है जब आप बहुत जल्दी क्या हो जाएं? लोकप्रिय हो जाएं, प्रसिद्ध हो जाएं, तो भी आप टेक ऑफ करते हैं। ठीक है, मैंने दो यहां पर दिया है, तीसरा जूते उतारने वगैरह सेंस में यहां पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड था आपका, ये जो टेक ऑफ था एक फ्रेजल वर्ब थी आपकी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या है? एक वर्ब है आपके। ठीक है, ट्रंकेट के रूप में हम क्या यूज करते हैं? छोटा करना। जैसे कोई डिस्कशन चल रहा हो, कोई बातचीत चल रही हो और आप उसे छोटा कर दे रहे हो, तो आप उसे क्या करते हैं? ट्रंकेट करते हैं। क्या करते हैं? आप उसे ट्रंकेट करते हैं, मीन्स छोटा कर देते हैं, अर्थात आप उसे शॉर्टन कर दे रहे हैं, कर्टेल कर दे रहे हैं, डॉक कर दे रहे हैं, प्रन कर दे रहे हैं, ट्रिम कर दे रहे हैं, एब्रीविएट कर दे रहे हैं, मीन्स छोटा कर दे रहे हैं। तो ट्रंकेट याद हो गया, छोटा करना। टेक ऑफ क्या हो गया? उड़ान भरना या जल्दी अचानक सफल हो जाना या फिर कपड़े वगैरह जूते वगैरह उतारना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एप्रीहेंशन। जैसे ही एस आई ओ एन आपने देखा, तुरंत कह दें यह एक नाउन है। क्या है एप्रीहेंशन? एक नाउन है। ठीक है, तो एप्रीहेंशन क्या होता है? एक भय, एक चिंता। जब मन में आपकी कोई आशंका चल रही होती है तो आपके मन में एक एप्रीहेंशन चल रहा होता है। ठीक है, ये क्या है? फियर ऑफ समथिंग, स्पेशली ऑफ फ्यूचर इविल। भविष्य के किसी डर को लेकर के जब आपके मन में एक भय हो, आशंका हो, तो वो एप्रीहेंशन है। ये एक प्रकार की एंग्जाइटी है, ये एक एंग्स्ट है, ये एक अनइजीनेस है, ये एक पर्टर्बेशन है, ये एक कॉन्स्टर्नेशन है, ये एक ड्रेड है, भय है, ये एक ट्रेपिडेशन है, भय है। ठीक है, तो एप्रीहेंशन अगर किसी के मन में है तो क्या है? भय है, एक चिंता है, भविष्य को लेकर एक आशंका है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एविएशन। एविएशन फिर से देखें, टी आई ओ एन है, तुरंत कह दें ये क्या है? एक प्रकार का नाउन है। एविएशन बच्चों आप पहले ये समझ लें, कहीं भी अगर ए वी आई लगा है, ए वी पक्षी से संबंधित होता है और पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। कहीं भी ए पी आई लगा है तो ये मधुमक्खी से संबंधित होता है। ठीक है, तो एविएशन वही नाउन बनाया गया, एविएशन अर्थात विमान बनाने या उड़ाने की विद्या, यानी विमानों की उड़ान से संबंधित जो चीज होती है वो किससे संबंधित होती है? एविएशन से संबंधित होती है। वो एरोनॉटिक्स से संबंधित होती है या एरोडायनामिक्स से संबंधित होती है। ठीक है, तो एविएशन क्या हो गया? एविएशन उड़ान से संबंधित। रिजम्पशन, जैसे ही आप देखें ना आपके सामने ये शब्द आ जाए, कौन सा? रिज्यूम। जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं और बीच में रोक देते हैं तो आप उसे क्या करते हैं? आप उसे स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन जब उसे फिर से आप जारी रखते हैं तो फिर आप उसे रिज्यूम करते हैं। एक्चुअली जब आप रिज्यूम करने के लिए कोई कार्य रोकते हैं ना, तो आप स्टॉप के बदले कौन सा वर्ड यूज करते हैं? याद करें ये वर्ड, पॉज होता है ना। पॉज को हम जब शुरू करते हैं, पॉज हटाते हैं, तो हम रिज्यूम करते हैं, और रिज्यूम वर्ब है, रिज्यूम। ठीक है, इस रिज्यूम से ये क्या बना? रिजम्पशन। टी आई एन देखिए हो गया, ये क्या हो गया आपका? एक नाउन हो गया। ध्यान रखिए बच्चों, एक रिज्यूमे भी होता है जो आप किसी जॉब वगैरह के लिए देते हैं, जिसमें अपना पूरा बायोडाटा के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी आपको देने होते हैं। तो रिजम्पशन क्या हो जाएगा? पुनरारंभ, यानी पुनः आरंभ करने की क्रिया को हम रिजम्पशन कहते हैं। एक रीस्टार्ट करते हैं, रीओपनिंग करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, कंटिन्यूएशन करते हैं, अर्थात रिजम्पशन करते हैं, शुरू करते हैं। तो रिजम्पशन क्या हो गया? फिर से शुरू करना। एविएशन क्या हो गया? विमान उड़ाने से संबंधित। एप्रीहेंशन क्या हो गई? कोई आशंका, कोई भय। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेजिटिमेट। याद करें, बहुत बार ये वर्ड आपने सुना होगा, ये लीगल जैसा है। जो चीज लीगल है वो लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो सकता है, लीगल से थोड़ा सा बड़ा। लेजिटिमेट क्या होता है? जो विधि संकत हो, वैध हो, या जो जायज हो, है ना, जायज और ना जायज। तो लेजिटिमेट क्या हो गया आपका? जो लीगल हो, जो लॉफुल हो, जो ऑथराइज्ड हो, जो वैलिड हो, जो वेल फाउंडेड हो, वो क्या है आपका? लेजिटिमेट है, जायज।
जैसे कोई कहे आपने जो निर्णय लिया है ना, ये निर्णय आपका लेजिटिमेट है, अर्थात वो क्या है निर्णय आपका, विधि संगत है, वैध है या जायज है। नेक्स्ट वर्ड आपका इंड्यूस। इंड्यूस क्या होता है, जब आप किसी को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरण देते हैं, तो आप इंड्यूस करते हैं, अर्थात आप उसे परसुवेट समबडी टू डू समथिंग। जब आप किसी कोई कार्य करने के लिए मना रहे होते हैं तो आप इंड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, परसुवेट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे तैयार कर रहे हैं आप, अर्थात उसे मना रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो इंड्यूस मनाना, प्रेरित करना। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों, जब आप कोई कार्य करते हैं लेकिन कार्य में आपको असफलता मिलती है, कोई एक्सपेरिमेंट आपका चल रहा होता है, वो एक्सपेरिमेंट आपका असफल, फेलियर का सामना करता है, तो आप क्या करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे, हार तो मानेंगे नहीं आप फिर से शुरुआत करेंगे। तो जब आप फिर से शुरुआत करेंगे तो यू आर गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। कहां जा रहे हैं आप, यू आर गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अर्थात उस कार्य को फिर से आप प्लानिंग के साथ शुरू कर रहे हैं। एक और आपने पढ़ा होगा, आपको याद हो, बैक टू द, याद आ गया, बैक टू द स्क्वायर वन। इसके मीन्स भी होते हैं जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे पहुंच जाना, ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, किसी कार्य को फिर से शुरू करना, और बैक टू द स्क्वायर वन, अर्थात जहां से चले थे वहीं पर वापस पहुंच जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेजेक्ट्री। ये भी एक नाउन है आपका। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, एक प्रक्षेप पथ होता है, यानी कोई ऐसा पाथ, कोई प्रोग्रेशन और लाइन ऑफ डेवलपमेंट, यानी आपका विकास कैसे और आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपका रास्ता क्या है, आपका पथ क्या है, दिस इज ट्रेजेक्ट्री, यानी एक प्रकार का पथ, कोई रास्ता, कोई रूट आपका, कोई कोर्स, कोई रास्ता, कोई ओरिएंटेशन, कोई दिशा। और लास्ट वर्ड है बंगल। ये एक वर्ब के रूप में यहां पर है। बंगल क्या होता है, जैसे आपके पापा ने कहा कि देखो वो बर्तन वहां से उठा ले आओ, और आप बर्तन लेने गए और बर्तन ले आते रास्ते में ही आपने बर्तनों क्या कर दिया, गिरा दिया, तो आपके पापा क्या कहेंगे, आपसे कहेंगे बंगल कर दिया तुमने, मीन्स गड़बड़ कर दिया, जो कार्य करना था सही उसे बिगाड़ दिया, मीन्स बंगल, एक फूहड़ तरीके से कार्य करना, अर्थात किसी कार्य को खराब कर देना, ठीक है। तो बंगल आपने पढ़ लिया, किसी कार्य को खराब कर देना वर्ब के रूप में, ट्रेजेक्ट्री भी आपने पढ़ लिया, कोई पथ, कोई रास्ता। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वर्ड्स कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप। ये आपका है एडिटोरियल आज का, अर्ली टेक ऑफ ऑन रिजम्पशन ऑफ एयर ट्रेवल। अर्ली टेक ऑफ, यहां टेक ऑफ समझ रहे होंगे बच्चों, ये एयर ट्रेवल से संबंधित है, हवाई यात्रा से, विमानों के उड़ान भरने से संबंधित है, लेकिन लेखक कह रहा है ये जो विमान उड़ान भरने जा रहे हैं अर्ली, विमानों की उड़ान भरने का जो निर्णय आपने लिया, मीन सरकार ने लिया है, कहीं कहीं वो जल्दबाजी में लिया गया है, अभी नहीं लेना चाहिए, अर्थात विमानों को अभी नहीं उड़ने देना चाहिए। ऑन रिजम्पशन, रिजम्पशन याद हो गया, फिर से शुरू करने का कार्य, अर्थात ऑन रिजम्पशन ऑफ एयर ट्रेवल, अर्थात हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने पर, ये आपका एडिटोरियल, ठीक है। विद नो कंसेंसस ऑन हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ पैसेंजर्स एमंग स्टेट्स ट्रेवल रिमेन्स रिस्की। पहले वर्ड्स देख लेते हैं, विद आप जानते हैं क्या होता है, विद क्या है, प्रीपोजिशन है, नो क्या है, यहां पे एडजेक्टिव है, कंसेंसस क्या है, नाउन, ऑन फिर से क्या है, प्रीपोजिशन है, हेल्थ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग यहां पे क्या है, नाउन की तरह है, तो हेल्थ यहां क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव की तरह, और अगर आप चाहें हेल्थ मॉनिटरिंग दोनों को तो आप एक कंपाउंड नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ क्या है, फिर से प्रीपोजिशन, पैसेंजर्स क्या है, स्पष्ट है, ऑफ के बाद पैसेंजर्स है, मतलब नाउन हो गया। एमंग आप जानते हैं, एमंग मीन्स के बीच में, यह एक प्रीपोजिशन आपका है, और स्टेट्स क्या है, राज्य, चूंकि दो से अधिक राज्य थे इसीलिए बिटवीन के बजाय एमंग लगाया गया, तो स्टेट्स क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन के बाद, नाउन हो जाएगा। ट्रेवल यहां क्या है, वर्ब नहीं है, ट्रेवल यहां सब्जेक्ट के रूप में है, तो आप कहेंगे क्या है, ये नाउन है। रिमेन्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ट्रेवल सिंगुलर था तो रिमेन में एस जुड़ गया, ये वर्ब हो गई।
और रिस्की खतरनाक, ये क्या हो जाएगा? रिस्की इज इक्वल टू व्हाट? डेंजरस। डेंजरस क्या है? खतरनाक। तो फिर रिस्की भी क्या हो जाएगा? खतरनाक। और दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप शायद जानते हो, चलिए यहां मैं लिख रहा हूं, एक अभी आपने पढ़ा, कोई चीज रिस्की हो, कोई चीज डेंजरस हो, कोई चीज पेरिलस हो और कोई चीज हैजार्डस हो, इन सब के मीन्स क्या होता है? खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये देखते हैं आपसे ये क्या कह रहे हैं, किस चीज पर आपको बताया गया। कह रहे हैं विद नो कंसेंसस ऑन हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ पैसेंजर्स एमंग स्टेट्स। उल्टा पढ़ें, यानी राज्यों के बीच यात्रियों के हेल्थ मॉनिटरिंग पर, स्वास्थ्य की निगरानी पर नो कंसेंसस, क्या नहीं है? कोई आम सहमति नहीं है। यानी विद नो कंसेंसस, कोई आम सहमति नहीं है ऑन हेल्थ मॉनिटरिंग, किसको लेकर के? स्वास्थ्य निगरानी को लेकर के, स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर के, आप पैसेंजर्स यात्रियों के, एमंग स्टेट्स किनके बीच में कॉन्सेंसस नहीं है? राज्यों के बीच में। अब उल्टा बोल दें, यानी राज्यों के बीच में पैसेंजर्स की हेल्थ मॉनिटरिंग को लेकर के कोई कंसेंसस नहीं है, कोई आम सहमति नहीं है, और अगर कोई आम सहमति नहीं है तो ट्रेवल रिमेन्स रिस्की, तो जो यात्रा है रिमेन्स रिस्की, वो क्या बनी रहेगी? रिस्की बनी रहेगी, अर्थात खतरनाक बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि राज्यों के बीच में पैसेंजर्स के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर के नो कंसेंसस, क्या नहीं है? कोई आम सहमति नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस, इवन क्या है? एडवर्ब। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। लॉन्ग क्या है? यहां पे एडजेक्टिव। तो नेगोशिएशंस क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, इवन आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस विद स्टेट्स, विद स्टेट्स राज्यों के साथ, राज्यों के साथ लॉन्ग नेगोशिएशंस हुए, मींस लंबी वार्ताएं हुई, इवन आफ्टर इसके बाद भी, इवन मींस याद है आपको, भी यानी राज्यों के साथ लंबी वार्ताओं, यानी लंबी वार्ताओं के बाद भी, एंड और विद अ ट्रंकेटेड शेड्यूल, शेड्यूल याद है, तयशुदा कार्यक्रम जो आप बनाते हैं वो क्या होता है? आपका शेड्यूल होता है। और क्या किया गया? शेड्यूल को क्या कर दिया गया? ट्रंकेटेड, छोटा कर दिया गया। इसके बावजूद, यानी इवन आफ्टर, इसके बाद भी, द सेंटर हैज फाउंड, यानी केंद्र सरकार को हैज फाउंड, देखिए हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी केंद्र सरकार ने ऐसा पाया है, अर्थात केंद्र सरकार को ऐसा लगा है इट, कि यह डिफिकल्ट, कठिन है टू रीलॉन्च डोमेस्टिक फ्लाइट्स, कि जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, घरेलू उड़ाने हैं, इनको रीलॉन्च फिर से क्या किया जाए? शुरू किया जाए। ठीक है, यानी राज्यों के बीच क्या हुई? राज्यों के साथ वार्ताएं हुई, लंबी लंबी वार्ताएं हुई, इसके बाद भी, और विद अ ट्रंकेटेड शेड्यूल, ट्रंकेटेड याद हो गया, छोटा कर देना, और शेड्यूल को छोटा करने के बाद भी, द सेंटर हैज फाउंड इट डिफिकल्ट, सेंटर को यह चीज कठिन लगी है टू रीलॉन्च डोमेस्टिक फ्लाइट्स, कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स को फिर से क्या किया जाए? शुरू किया जाए, फिर से आरंभ किया जाए। सेवेरल वर कैंसिल्ड ऑन द फर्स्ट डे, यानी सेवेरल वर, सेवेरल किसके लिए बच्चों? ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए है। सेवेरल, सेवेरल हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा, हमेशा। सेवेरल वर यानी सेवेरल डोमेस्टिक फ्लाइट्स, ये समझ लें, सेवेरल डोमेस्टिक फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड, कई सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को, घरेलू उड़ानों को वर कैंसिल्ड, यानी उन्होंने नहीं किया था, उन्हें कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि पैसे वैसे वर कैंसिल्ड है ना, यानी कई सारी घरेलू उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया था ऑन द फर्स्ट डे, कब? पहले दिन। देखिए फर्स्ट के पहले क्या लगा बच्चों? द, हमेशा लगाएगा द फर्स्ट, द सेकेंड, ऐसे ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उन्हें कैंसिल कर दिया गया था। सर्विसेज वर रिज्यूम्ड, जब उन सेवाओं को रिज्यूम्ड, याद हो गया रिज्यूम्ड, फिर से आरंभ किया गया था, आफ्टर बीइंग फ्रोजन,
कौन सी सेवाएं? आफ्टर बीइंग फ्रोजन, जो सेवाएं फ्रोजन बंद कर दी गई थी, फ्रीज कर दी गई थी, रोक दी गई थी ऑन मार्च 25। कब? मार्च 25 को देखिए, यहां डेट है ना 25, इसलिए मार्च होने के बावजूद क्या लगा यहां? ऑन लगा। फिर से देखें, यानी 25 मार्च को क्या हुआ? आफ्टर बीइंग फ्रोजन सारी सर्विसेज जो थी उन्हें क्या कर दिया गया था? रोक दिया गया था। और जब ये सर्विसेज शुरू की गई तो पहले ही दिन उन सेवाओं को, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को क्या कर दिया गया? कई सारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। सम चीफ मिनिस्टर्स, कुछ चीफ मिनिस्टर्स, जब भी सम के बाद काउंटेबल नाउन हो वो हमेशा प्लूरल नाउन ले, ठीक है? नॉर्मली सम चीफ मिनिस्टर्स, कुछ चीफ मिनिस्टर्स, नोटेबली, नोटेबली मीन्स प्रमुख रूप से, प्रमुख रूप से उद्धव ठाकरे, यू नो, इन महाराष्ट्र, बताने की जरूरत नहीं है, एंड इडापड़ी पलानी स्वामी, इनको बताने की जरूरत है। तो कुछ जो चीफ मिनिस्टर्स थे, मुख्य रूप से उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र में है, एंड इडापड़ी पलानी स्वामी जो तमिलनाडु में है, एक्सप्रेस्ड, इन मुख्यमंत्रियों ने एक्सप्रेस्ड एप्रिहेंशन, एप्रिहेंशन याद है, आशंका, भय, इन मुख्यमंत्रियों ने क्या किया? आशंका प्रकट की अबाउट अ प्रीमैच्योर रिजम्पशन, प्रीमैच्योर समय से पहले, परिपक्व होने से पहले, यानी इन्होंने ये आशंका, ये डर प्रकट किया अबाउट अ प्रीमैच्योर रिजम्पशन ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन सार्वजनिक उड़ान, पब्लिक उड़ान को सिविल एविएशन कहते हैं, नागरिकों की उड़ान से संबंधित। अर्थात उन्होंने कौन सी आशंका प्रकट की इन मुख्यमंत्रियों ने? अबाउट अ प्रीमैच्योर रिजम्पशन, कि समय से पहले शुरू किया जा रहा है आप सिविल एविएशन, किसको? नागरिक उड़ान को, सार्वजनिक उड़ान को, एज, क्यों? एज क्योंकि द स्प्रेड ऑफ कोविड 19, जो कोविड 19 कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है, फैलाव है, प्रचार प्रसार है, इज अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग जो रुकने का नाम न ले, जो आगे ही बढ़ता जाए, जो हठी हो, जिद्दी हो, निर्दयी हो, वो अनरिलेंटिंग है, जो अडामेंट हो, हार्ड हो, स्टिफ हो, क्रियल हो, मीन्स वो अनरिलेंटिंग है। मीन्स उन्होंने क्यों आशंका प्रकट की कि ये प्रीमैच्योर रिजम्पशन ऑफ सिविल एविएशन है, कि समय से पहले ही सरकार नागरिक उड़ान को शुरू कर रही है, क्योंकि एज द स्प्रेड ऑफ कोविड 19 इज अनरिलेंटिंग, क्योंकि अभी भी कोविड 19 का जो स्प्रेड है, फैलाव है, इज अनरिलेंटिंग, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एंड और क्वारंटाइन मॉनिटरिंग, और क्वारंटाइन पे जो मॉनिटरिंग है, मीन्स उनकी जो निगरानी है, हैज इट्स लिमिट्स, उस क्वारंटाइन मॉनिटरिंग की भी क्या है? हैज इट्स लिमिट्स, कुछ सीमाएं हैं। अर्थात हर तरीके से क्वारंटाइन मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती है, और तब और दिक्कतें आएंगी जब आप प्रीमैच्योर रिजम्पशन ऑफ सिविल एविएशन कर देंगे, अर्थात समय से पहले आप नागरिक उड़ान को क्या कर देंगे? आरंभ कर देंगे, ठीक है? द एक्सपीरियंस, समझते होंगे ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशंस, यानी जो फ्लाइट कैंसिल्ड कर दी गई उनका अनुभव, पैसेंजर फ्रस्ट्रेशन, यानी एक नागरिक का जो फ्रस्ट्रेशन होता है, उसकी जो निराशा होती है, उसका अनुभव, एंड लो कैपेसिटी एमंग स्टेट्स, और राज्यों के बीच लो कैपेसिटी, अर्थात जो कम क्षमताएं हैं, वो चीजें किस चीज के लिए? टू ट्रैक थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स, कि वो थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स, हजारों नागरिकों को ट्रैक कर सकें, उनके बारे में पता लगा सकें। इन सब चीजों पर जो अनुभव रहा, शुड प्रॉम्प्ट, वो अनुभव प्रॉम्प्ट और रीथिंक, वो कहीं कहीं पुनर्विचार के लिए प्रेरित करना चाहिए, तैयार करना चाहिए ऑन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स। किस चीज पे पुनर्विचार करना चाहिए? जिन फ्लाइट्स को आपने शेड्यूल किया है, जिन फ्लाइट्स को आपने तय कर दिया है कि फला तारीख से ये चीजें, ये फ्लाइट्स शुरू होंगी, ठीक है? फिर से देख लें, करें द एक्सपीरियंस, अनुभव ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशंस, यानी फ्लाइट कैंसिलेशंस का अनुभव, पैसेंजर फ्रस्ट्रेशन का अनुभव, यानी नागरिक के जो, यानी यात्री के निराशा का अनुभव है,
एंड लो कैपेसिटी एमंग स्टेट्स टू ट्रैक थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स, और हजारों यात्रियों को ट्रैक करने के लिए जो राज्यों के बीच लो कैपेसिटी है अर्थात कम क्षमता है, इसका अनुभव यानी इन सारी चीजों का जो एक्सपीरियंस अनुभव शुड प्रॉम्प्ट, ये तैयार करना चाहिए, यानी सारे अनुभव कहीं कहीं तैयार करें और रीथिंक कि फिर से विचार किया जाए ऑन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स, उन फ्लाइट्स के लिए जिनको क्या कर दिया गया है, तय कर दिया गया है। मैंने बताया नहीं बच्चों, समझ रहे होंगे, ये जो सरकार ने फिर से विमानों की शुरुआत की है, विमान यातायात की, ट्रेवल की, उसी पर ये पूरा ऐसे है जो लेखक की नज़र में कहीं कहीं प्री मैच्योर रिजम्पशन है, जैसा कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि समय से पहले लिया गया फैसला है, यानी अभी जो विमान यात्राएं हैं इनको शुरू नहीं करना चाहिए था, इसी पर पूरा है आपका। एक्सेस टू इमरजेंसी एयर ट्रेवल, यानी अगर इमरजेंसी एयर ट्रेवल, इमरजेंसी में हवाई यात्रा करनी है तो एक्सेस टू, इनकी जो पहुंच है इन अ लार्ज कंट्री, वो भी एक बड़े देश में, यानी एक बड़े देश में इमरजेंसी एयर ट्रेवल की जो एक्सेस है, वो एक्सेस, वो पहुंच इज अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ये सही है, यह एक जायज अपेक्षा है, यानी यह एक जायज, एक वैध अपेक्षा है कि इतने बड़े देश में लोग इमरजेंसी एयर ट्रेवल करें, एंड और अ टारगेटेड प्रोग्राम, और एक टारगेटेड प्रोग्राम यानी एक लक्ष्य शुदा जो कार्यक्रम है, रन एफिशिएंटली, जिसे अच्छी तरीके से क्या किया जा रहा हो, चलाया जा रहा हो, वो चीज कैन मीट दैट नीड, इस नीड को क्या कर सकती, कैन मीट, पूरा कर सकती हैं विदाउट इंड्यूस्ड डिमांड, और बिना इंड्यूस्ड डिमांड, बिना प्रेरित मांग के प्रोड्यूस्ड बाई कमर्शियल फ्लाइट्स, जो डिमांड किसके द्वारा उत्पन्न की गई हो, कमर्शियल फ्लाइट्स यानी व्यापारिक जो उड़ानें होती हैं उनके द्वारा। मैं जानता हूं आप नहीं समझ पाए बच्चों, फिर से देखें, कह रहे एक्सेस टू इमरजेंसी एयर ट्रेवल, यानी एयर ट्रेवल, इमरजेंसी एयर ट्रेवल की जो एक्सेस है, पहुंच है इन अ लार्ज कंट्री, वो भी एक बड़े देश में, इज द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ये एक जायज अपेक्षा है, समझ रहे होंगे, एंड और अ टारगेटेड प्रोग्राम, और एक टारगेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, यानी एक जो लक्ष्य शुदा प्रोग्राम कार्यक्रम हो, रन एफिशिएंटली, जो अच्छी तरीके से रन किया जा रहा हो, चलाया जा रहा हो, ऐसा टारगेटेड प्रोग्राम कैन मीट दैट नीड, इस आवश्यकता को क्या कर सकता है, कैन मीट, पूरा भी कर सकता है विदाउट इंड्यूस्ड डिमांड, बिना किसी इंड्यूस्ड डिमांड के, यानी बिना किसी प्रेरित मांग के, प्रोड्यूस्ड बाई कमर्शियल फ्लाइट्स, कौन सी डिमांड, जो उन कमर्शियल फ्लाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न की जा रही हो। गोइंग बैक टू अ ड्राइंग बोर्ड, समझ रहे होंगे, गोइंग बैक टू अ ड्राइंग बोर्ड, यानी यदि आप फिर से शुरुआत कर रहे हो, टू ड्राफ्ट, बनाने की, तैयार करने की, अ प्लान, एक योजना, यानी यदि आप एक योजना बनाने के लिए फिर से शुरुआत कर रहे हो, फॉर इमरजेंसी ट्रेवल, किस चीज के लिए योजना बनाने के लिए, इमरजेंसी ट्रेवल के लिए, यानी यदि इमरजेंसी ट्रेवल के लिए आप फिर से एक योजना बनाने के लिए फिर से शुरुआत कर रहे हो, यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का उपयोग कर रहे हो, लिखा पढ़ी का उपयोग कर रहे हो, एंड एग्रीगेशन ऑफ सच पैसेंजर्स, और इन प्रकार, इस प्रकार के यात्रियों का एग्रीगेशन, उनको एकत्र कर रहे हो, तो ये सारी चीजें, कौन सी सारी चीजें, जब आप एक प्लान को फिर से तैयार कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन को यूज कर रहे हो, और इस प्रकार के यात्रियों को एकत्र कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मे बी द शॉर्ट टर्म ऑप्शन, ये कैसा ऑप्शन हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं हो सकती हैं, इस प्रकार का आपका कार्य एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन है, मींस तुरंत के लिए ऑप्शन हो सकता है, लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्या, यदि आप फिर से ड्राइंग बोर्ड पर आ रहे हो, फिर से प्लान बना रहे हो, है ना, फिर से प्लान बना रहे हो फॉर इमरजेंसी ट्रेवल, अचानक यानी इमरजेंसी ट्रेवल के लिए,
फिर से आप डॉक्यूमेंटेशन को यूज कर रहे हो और इस प्रकार के पैसेंजर्स को आप एग्रीगेट कर रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो, तो सारी चीजें मे बी द शॉर्ट टर्म ऑप्शन, ये कुछ समय के लिए ऑप्शन के रूप में काम कर सकते हैं, विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक के लिए ऑप्शंस आपके काम नहीं आएंगे। द रिस्क्स यानी वो खतरे, कौन से खतरे, एसोसिएटेड, ये यहां वर्ब नहीं बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वो खतरे एसोसिएटेड विद डोमेस्टिक एविएशन, जो खतरे किससे जुड़े हैं, घरेलू उड़ानों से एसोसिएटेड जुड़े हुए हैं, वो खतरे जो घरेलू उड़ानों से जुड़े हैं हैव मल्टीप्लाइड। अब देखिए वर्ब है ना, द रिस्क के लिए हैव मल्टीप्लाइड, वो खतरे हैव मल्टीप्लाइड, कई गुना बढ़ गए हैं, कि क्यों, ड्यू टू, याद है ड्यू टू, ड्यू टू मतलब याद है आपको, ड्यू टू, ड्यू टू मतलब ऑन अकाउंट ऑफ या ओविंग टू या बिकॉज ऑफ, चार वर्ष हो गए, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स भी के कारण होता है, ओविंग टू मीन्स भी के कारण होता है, बिकॉज ऑफ मीन्स भी के कारण होता है, और ड्यू टू मीन्स भी के कारण होता है, ठीक है। ड्यू टू को नॉर्मली बीच में रखते हैं, वाक्य के शुरू में कोशिश करें न रखना पड़े। देखें द रिस्क एसोसिएटेड विद डोमेस्टिक एविएशन, यानी जो हमारे घरेलू उड़ानों के साथ जुड़े हुए हैं, वो खतरे जो हैं, वो खतरे हैव मल्टीप्लाइड, क्या हो गए, कई गुना बढ़ गए हैं, ड्यू टू अर्ली मिस स्टेप्स, क्योंकि शुरू में आपने क्या लिए, मिस स्टेप्स लिए, गलत कदम उठाए, इन सेवरल स्टेट्स, कहां, कई सारे राज्यों, देखिए मैंने कहा था ना सेवरल के बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा, देखिए स्टेट्स, यानी क्या गलतियां हुई, कई राज्यों में आपने गलत कदम उठाए, जिसकी वजह से आज जो रिस्क हैं, जो डोमेस्टिक एविएशन से जुड़े हुए हैं, वो खतरे है मल्टीप्लाइड, कई गुना क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। कौन से गलत कदम लिए गए राज्यों के द्वारा, देखें मास गैदरिंग्स हुई, जब भी बच्चों ये कोलन दिया गया हो तुरंत समझें कि उसके पहले आए हुए नाउन के बारे में या उस वाक्य के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही, तो कौन से गलत कदम उठाए राज्यों ने, मास गैदरिंग्स हुई यानी लोगों का जमघट हुआ, लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, पॉलिटिकल इवेंट्स किए गए, राजनीतिक कार्यक्रम किए गए मध्य प्रदेश में आपको याद होगा, एंड कंज्यूमर क्राउडिंग हुई यानी उपभोक्ताओं की, खरीदारों की भीड़ लग गई फॉर पैनिक बाइंग, क्यों, पैनिक बाइंग क्या होता है, क्योंकि वो इतना डर गए कि सामान जल्दी जल्दी वो खरीदारी करने लगे, इन सब चीजों ने, किन सब चीजों ने, मास गैदरिंग्स ने, पॉलिटिकल इवेंट्स ने और कंज्यूमर क्राउडिंग फॉर पैनिक बाइंग ने हैव रिजल्टेड इन, रिजल्ट के साथ इनका प्रयोग, इनका परिणाम हुआ है इन मेजर ट्रांसमिशन क्लस्टर्स, मेजर ट्रांसमिशन क्लस्टर्स के अर्थात समूहों में ट्रांसमिशन होने लगा है, अर्थात अब एक समूह से दूसरे समूह में कोरोना क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, किसके कारण, मास गैदरिंग्स के कारण, अर्थात लोगों की भीड़ के कारण, पॉलिटिकल इवेंट्स के कारण, और वो जो लोग यानी खरीदार इकट्ठे हो गए फॉर पैनिक बाइंग, क्योंकि डर करके वो क्या करने लगे थे, खरीदारी करने लगे थे, जिसके वजह से आज मेजर ट्रांसमिशन क्लस्टर, क्लस्टर समझते हैं गुच्छे समूह, अर्थात मेजर बड़े स्तर पे ट्रांसमिशन क्लस्टर्स बन गए, अर्थात समूह दर समूह कोरोना फैलता गया। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ फ्रेश कोविड 19 केसेस, यानी जो नए नए कोविड 19 के केसेस हैं, इनका जो ट्रेजेक्ट्री है यानी इनका बढ़ता हुआ जो रास्ता है, इनका बढ़ता हुआ जो पथ है, शोज वो ट्रेजेक्ट्री, वो पथ, वो रास्ता दिखाता है दैट की दिस वाज एग्रीवेटेड, कि ये मामला क्या हो गया, बढ़ गया, वाज एग्रीवेटेड, ये मामला और बदतर हो गया और बुरा हो गया बाय द बंगल्ड रिस्पांस, किसके द्वारा, उस खराब प्रतिक्रिया के द्वारा, टू द कंसर्न्स, जब उन चिंताओं की प्रतिक्रिया आपने की ऑफ माइग्रेंट लेबर, किसके लिए, प्रवासी मजदूर के लिए, प्रवासी श्रम के लिए, एक्सपोजिंग थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, जब आपने हजारों वर्कर्स को एक्सपोज खुला छोड़ दिया, एंड और देयर कम्युनिटीज,
और उनके समुदायों को खुला छोड़ दिया टू इन्फेक्शन, क्या प्राप्त करने के लिए, इन्फेक्शन संक्रमण प्राप्त करने के लिए। देखें बच्चों यहां से फिर से देख लें आप, करें द ट्रेजेक्ट्री ऑफ फ्रेश कोविड 19 केसेस शोज, यानी ये जो नए नए कोविड 19 के मामले आते जा रहे हैं उनका जो बढ़ता हुआ रास्ता है, बढ़ता हुआ ट्रेजेक्ट्री है शोज, वो दिखाता है कि मामला बहुत अधिक एग्रेवेटेड हो गया, मींस क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि बाय द बंगल्ड रिस्पांस टू द कंसर्न्स ऑफ माइग्रेंट लेबर, क्योंकि जो प्रवासी मजदूरों से संबंधित था उसके बारे में बंगल्ड रिस्पांस आपने गलत प्रतिक्रिया दी, एक्सपोजिंग थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एंड देयर कम्युनिटीज, हजारों जो मजदूर थे एंड देयर कम्युनिटीज और उनके जो समुदाय थे आपने टू इन्फेक्शन यानी उस संक्रमण के लिए उन्हें एक्सपोज कर दिया, उन्हें खुला छोड़ दिया आपने, ठीक है। अंडरस्टैंडेबली ये ऐसा एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, यानी ये समझा जा सकता है क्या कि स्टेट्स, राज्य, कौन से राज्य, विच हैव डिनाइड द प्रेजेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ये समझा जा सकता है, समझने योग्य है कि वो राज्य विच, ये विच किसके लिए है, स्टेट्स के लिए, इसलिए देखिए क्या लगा, हैव, यानी कि वो राज्य जिन्होंने, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो राज्य जिन्होंने इनकार कर दिया था द प्रेजेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कि उनके यहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन का प्रेजेंस, उपस्थिति है, यानी वो राज्य जिन्होंने कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने से इनकार कर दिया था, वो राज्य वांट, चाहते हैं क्या, टू रिड्यूस द पेस, की रफ्तार क्या हो, रिड्यूस की जाए, कम की जाए, एट विच, जिस रफ्तार पर दे मस्ट मॉनिटर न्यूली अराइविंग इंडिविजुअल्स, जिस रफ्तार पर वो मस्ट मॉनिटर, यानी उन्हें निगरानी करनी होगी न्यूली अराइविंग इंडिविजुअल्स, यानी नए नए लोगों के आने की जो रफ्तार है, वो रफ्तार कहीं कहीं वो राज्य क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, क्योंकि उन आने वाले लोगों को उन्हें क्या करना है, मॉनिटर करना है, मीन्स उनकी देखभाल करनी है, निगरानी करनी है। ये वो राज्य हैं जिन्होंने इनकार कर दिया था कि उनके यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ये बात समझी जा सकती है कि ये राज्य पब्लिक को जो एयर ट्रेवल है उसको कतई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसी पेस पर ये किसी तरह उन न्यूली अराइविंग इंडिविजुअल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, जब वो एयर ट्रेवल शुरू हो जाएगा तो इनके लिए मॉनिटर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। करें इनेबलिंग शेड्यूल्ड ट्रेवल, इनेबल याद करना है, याद है आपको, किसी चीज को योग्य बना देना, मीन्स क्षमतावान बना देना, मीन्स एक तरह से उसके काबिल बना देना। इनेबलिंग शेड्यूल्ड ट्रेवल, यानी एक तरह से यदि आप उस तयशुदा ट्रेवल को इनेबल कर देते हैं, अर्थात उसे क्रियान्वित कर देते हैं, अस्तित्व में लेते आते हैं, थ्रू नेशनल पॉलिसी, किसके द्वारा, थ्रू मीन्स के द्वारा, थ्रू नेशनल पॉलिसी, यदि राष्ट्रीय नीति के द्वारा आप शेड्यूल्ड ट्रेवल को इनेबल कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, वेदर बाई एयर आर रेल, चाहे वो यात्रा एयर यानी हवाई यात्रा हो, आर बाई रेल या फिर वो ट्रेन की यात्रा हो, तो इस प्रकार से अगर आप शेड्यूल्ड ट्रेवल यूज करते हैं तो कुड बी सीन, तो इसे देखा जा सकता है, माना जा सकता है एज अ रीजनेबल एफर्ट, कि आप एक तार्किक प्रयास कर रहे हैं, वनली वेन, लेकिन तभी जब स्टेट गवर्नमेंट्स आर फुली प्रिपेयर्ड, जब राज्य की सरकारें इसके लिए क्या हों, बिल्कुल तैयार हों पूरी तरह से, एंड एडॉप्ट अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस, और अपने यहां वो एक कोड ऑफ, यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस यानी समान तरीके का कायदा कानून बना लें, इस तरह के सिस्टम बना लें, ताकि उन आने वाले नए लोगों को, आने वाले जो लोग हैं उनको सही तरीके से मॉनिटर किया जा सके, उनकी निगरानी की जा सके। यानी आप शेड्यूल्ड ट्रेवल शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप नेशनल पॉलिसी के तहत आप उन शेड्यूल्ड ट्रेवल को इनेबल करिए, और ये आपका रीजनेबल एफर्ट भी होगा, लेकिन कब, केवल तभी जब स्टेट गवर्नमेंट्स इसके लिए क्या हो, पूरी तरीके से तैयार हो, एंड एडॉप्ट अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस, और इसे निभाने के लिए, इससे निपटने के लिए उनके पास एक पर्याप्त कायदे कानून भी बन चुके हों। विद इन द लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के अंतर्गत
द वायरस क्राइसिस, जो कोरोना वायरस का क्राइसिस था, संकट था, हैज स्नोबाल्ड, यानी लॉकडाउन के अधीन भी कोरोना वायरस का क्राइसिस हैज स्नोबाल्ड, तेजी से बढ़ा, स्नोबाल्ड तेजी से बढ़ा है, वनली इन स्टेट्स, केवल उन्हीं राज्यों में, सच एज महाराष्ट्र, सच एज जैसे कि महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, एंड गुजरात, एंड इन दिल्ली और दिल्ली में, यानी लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके अधीन ये जो वायरस क्राइसिस थी हैज स्नोबाल्ड, बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन किन राज्यों में, ऐसे राज्य जो महाराष्ट्र हैं, तमिलनाडु हैं, गुजरात हैं और दिल्ली हैं, बट लेकिन समझिएगा बच्चों, यानी लॉकडाउन के दौरान इन्हीं राष्ट्रों में बहुत तेजी से वायरस क्राइसिस बढ़ी, लेकिन दैट पिक्चर कुड चेंज, लेकिन ये तस्वीर कुड चेंज, क्या हो सकती है, बदल सकती है विद द ऑपरेशन ऑफ डेली फ्लाइट्स, यदि आप ऑपरेट करने लगे, चलाने लगे क्या डेली फ्लाइट्स, यानी प्रतिदिन अगर आप फ्लाइट्स, हवाई यात्राएं शुरू कर देते हैं, अ कपल ऑफ 100 शेड्यूल्ड ट्रेन्स फ्रॉम 1 जून और 1 जून से करीब 200 के आसपास आप शेड्यूल्ड ट्रेनें चलाने लगते हैं, एंड द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉमिस्ड श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स, और एक बड़ी संख्या में, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने लगते हैं फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, किसके लिए, उन प्रवासी मजदूरों के लिए, तो निश्चित है कि दैट पिक्चर कुड चेंज, वो तस्वीर क्या हो सकती है, बदल सकती है, समझ रहे होंगे, अर्थात लॉकडाउन के दौरान तो कहां पर केवल ज्यादा केसेस पाए गए, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में और दिल्ली में भी पाए गए, लेकिन अगर आपने डेली फ्लाइट चलाई, अ कपल ऑफ 100 शेड्यूल ट्रेन्स 1 जून से चलाई, और लार्ज नंबर ऑफ प्रॉमिस श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स आपने चलाई उन मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, तो दैट पिक्चर कुड चेंज, तो केवल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली ही ज्यादा केसेस से ग्रस्त नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बाकी प्रदेश भी क्या हो जाएंगे, ग्रस्त हो जाएंगे, यानी पिक्चर बदल सकती है। इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है, देयरफॉर, इसलिए फॉर स्टेट्स, किनके लिए, राज्यों के लिए, टू एडॉप्ट, कि वो राज्य अपनाएं अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाएं वो ऑन क्वारंटाइन, किसको लेकर, क्वारंटाइन पर एंड टेस्टिंग और टेस्टिंग पर, यानी क्वारंटाइन को लेकर और टेस्टिंग को लेकर के राज्यों को कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनानी, एक दूसरे से मिलजुल कर एक सोच यानी दृष्टिकोण बनाना चाहिए, वो राज्य जो अपने यहां कोरोना वायरस से बेहतर तरीके से निपटना चाहते हैं। और ये लास्ट पैसेज है बच्चों, ट्रेवल च्वाइसेस, यानी यात्रा करने के जो चुनाव है आपके, इन द प्रेजेंट फेज, इस वर्तमान चरण में, वर्तमान चरण में जो ट्रेवल च्वाइसेस हैं, शुड बी डिजाइंड, उन्हें आकार दिया जाना चाहिए, उन्हें तैयार किया जाना चाहिए, टू डिस्करेज ऑप्शनल जर्नी, यानी जो वैकल्पिक यात्राएं हैं, इनको डिस्करेज करने के लिए, इनको कम करने के लिए, आपको ट्रेवल च्वाइसेस को क्या करना चाहिए, शुड बी डिजाइंड, तैयार करना चाहिए, सरकार को इस प्रकार की यात्राएं तैयार करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। मोर ओवर याद है बच्चों, इसके अतिरिक्त पैसेंजर्स ऑन ऑल फ्लाइट्स, वो पैसेंजर्स जो सारी फ्लाइट्स में जा रहे हो, इंक्लूडिंग रिलीफ फ्लाइट्स, उन फ्लाइट्स को भी शामिल करके जो रिलीफ फ्लाइट्स हो, राहत के लिए फ्लाइट चला जा रही हो, वो फ्लाइट्स भी, ऐसी फ्लाइट्स यानी इस प्रकार के पैसेंजर्स जो हैं, जो सभी फ्लाइट्स में जा रहे हैं रिलीफ फ्लाइट्स को लेकर के भी, ऐसे पैसेंजर्स कुड हैव अ लोअर रिस्क, ऐसे पैसेंजर्स को कम खतरा हो सकता है, यहां हैव मेन वर्ब है बच्चों, कुड यहां आपकी मॉडल है, कुड हैव मॉडल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी ऐसे पैसेंजर्स को कुड हैव अ लोअर रिस्क, कम खतरा हो सकता है, इफ यदि एयरलाइंस, यदि जो एयरलाइंस हैं एंड द गवर्नमेंट और जो सरकार है, कीप द मिडिल सीट्स वैकेंट, यदि वो मिडिल सीट्स को, बीच की सीट को क्या रखे, वैकेंट रखे, खाली रखे, एज जैसा कि डिसाइडेड ऑन मार्च 23, जैसा कि मार्च
23 को क्या किया गया था, निर्णय किया गया था बाय द डीजीसीए। डीजीसीए क्या है बच्चों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फिर से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी इसके द्वारा 23 मार्च को निर्णय किया गया था कि जो मिडिल सीट्स होंगी उन्हें वैकेंट रखा जाएगा। तो इस पर एयरलाइंस को और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि लोअर रिस्क को, कम खतरा हो किनको, उन पैसेंजर्स को, और उन पैसेंजर्स को भी जो रिलीफ फ्लाइट्स में जा रहे हो। देयर इज नो रीजन टू थिंक, समझ रहे होंगे, अर्थात ऐसा सोचने का भी कोई कारण नहीं है दैट की द पैंडेमिक हैज बिगन टू वेन। बिगिन टू वेन मीन्स कम होते जाना, वेन मीन्स कम होते जाना, यानी अभी ये कहीं से भी नहीं सोचा जाना चाहिए दैट की द पैंडेमिक हैज बिगन टू वेन, कि पैंडेमिक, ये महामारी क्या होना शुरू हो गई है, कम होनी शुरू हो गई है, अर्थात ऐसा भी न सोचें। द ग्लोबल एविएशन मैप, यानी जो वैश्विक एविएशन मैप है, यानी वैश्विक उड़ान का जो मैप है, शोज, वो ये दिखाता है दैट की इवन मार्केट इकोनॉमीज प्लेसिंग ग्रेट इंफेसिस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम्स, यानी इवन मार्केट इकोनॉमीज, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं भी जो मार्केट इकोनॉमी, जिनका मूल ही क्या है, पैसा है, पूंजी है, ऐसी इकोनॉमीज भी प्लेसिंग ग्रेट इंफेसिस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम्स, जो इकोनॉमीज बहुत अधिक जोर देती हैं ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम्स, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर, ऐसी इकोनॉमीज भी हैव सीवियरली लिमिटेड ट्रेवल, इन्होंने भी बहुत बुरी तरीके से लिमिटेड ट्रेवल यानी कम यात्राएं की हुई हैं, मेकिंग एक्सेप्शंस ओनली फॉर रिटर्निंग सिटीजंस, और अगर अपवाद आप ले सकते हैं तो केवल वही ले सकते हैं फॉर रिटर्निंग सिटीजंस, केवल उन्हीं के लिए यात्राएं उन्होंने खोली हुई हैं जो रिटर्निंग सिटीजंस अर्थात दूसरे देशों से आ रहे हैं, अन्यथा इनके यहां भी लिमिटेड ट्रेवल है, बहुत कम उड़ानें भरी जा रही हैं, वो देश वो भी जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स को क्या देते हैं, बहुत जोर देते हैं, और वो देश जो मार्केट इकोनॉमीज हैं, यानी कि जिनकी अर्थव्यवस्था ही पूंजी पर टिकी हुई है। रिलैक्सिंग ट्रेवल मस्ट बी प्रिसीडेड, यानी अगर आप रिलैक्सिंग ट्रेवल दे रहे हैं, यानी ट्रेवल में अगर आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो मस्ट बी प्रिसीडेड, तो इससे पहले आपको क्या करना चाहिए, बाय फोकस्ड कंटेनमेंट मेजर्स, कि आप कंटेनमेंट मेजर्स को फोकस करें, याद है कंटेनमेंट, रोकथाम, मेजर्स याद है उपाय, यानी रोकथाम के जो उपाय हैं उन पर आप फोकस कर लें, ध्यान दे लें, एंड और एन एग्रीड प्रोटोकॉल, और एक आम सहमति के द्वारा एक प्रोटोकॉल बना लें, कुछ सुनिश्चित नियम बना लें राज्यों के लिए, यानी राज्यों के लिए कुछ सुनिश्चित नियम बना लें, उन पर सहमति हो जाए, और कंटेनमेंट मेजर्स को फोकस कर लें आप, यानी रोकथाम के उपाय निश्चित कर लें, तब आप रिलैक्सिंग ट्रेवल कर सकते हैं, अर्थात तब आप ट्रेवल में रिलैक्सेशन दे सकते हैं, अर्थात हवाई यात्राओं या ट्रेन यात्राओं में राहत दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आप जानते हैं इसके बाद क्या है, ये सारे वर्ड्स जो अभी आपने पढ़े, अब देख लें कितने आपके तैयार हुए, टेक ऑफ तैयार हो गया आपका, उड़ान भरने के सेंस में भी, अचानक सफलता प्राप्त करना या लोकप्रिय होना, या फिर उतारने के सेंस में, जूते वगैरह उतारने के सेंस में, रिमेन्स अगर नाउन के रूप में हो तो आप जानते हैं रिमेन्स मीन्स अवशेष होते हैं, लेकिन वर्ब के रूप रिमेन्स बने रहना, डोमेस्टिक आप जानते हैं घरेलू, एप्रिहेंशन जो आपके मन में डर हो, फियर हो, मीन्स आशंका हो, भय हो, एंग्जाइटी हो, फ्रस्ट्रेशंस क्या होती, निराशाएं आपके मन की, वैसे फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए मीन्स निराशा, एफिशिएंटली क्षमतापूर्वक योग्यतापूर्वक, मिस स्टेप्स गलत कदम, क्लस्टर्स समूह गुच्छों के रूप में, या आपका काउंटेबल नाउन के रूप में, प्लूरल आपने यूज किया कलेक्टिव नाउन के रूप में, कंसर्न्स यहां चिंताओं के रूप में है, कोऑर्डिनेटेड एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने के कार्य को कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, प्रिसीड यानी किसी चीज के बाद आना अर्थात उससे पहले कोई चीज हो चुकी हो, रिजम्पशन फिर से शुरुआत,
negotiations वार्ताएं, resumed फिर से आरंभ किया, premature समय से पहले का, track रास्ता वैसे पता लगाने के सेंस में यहां पर है, induced प्रेरित किया मना लिया, mass gatherings लोगों की भीड़, trajectory चीजें कैसे बढ़ रही हैं उसका मार्ग, expose ओपन कर देना खुला छोड़ देना, वैसे एक्सपोज मीन्स किसी रहस्य को भंडाफोड़ करना भी होता है, वेन कम होते जाना कमजोर पड़ते जाना छीण होते जाना, कंटेनमेंट रोकथाम, कंसेंसस याद है आम सहमति, यूनिटी जिसको आप कहते हैं यूनैनिमिटी, ट्रंकेटेड छोटा कर दिया, फ्रोजन जमा हुआ या रुका हुआ, एविएशन उड़ान, प्रॉम्प्ट प्रेरित किया तैयार कर दिया, गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड मीन्स किसी कार्य को फिर से आरंभ करना, पैनिक बाइंग अर्थात डर करके खरीदारी, बंगल्ड रिस्पांस अर्थात खराब तरीके का रिस्पांस प्रतिक्रिया, यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस अर्थात जो सामूहिक रूप से कायदे कानून आप बनाते हो, इम्फेसिस जोर किसी चीज पर बल प्रेशर, मेजर्स जो मेथड्स होते हैं उपाय, मॉनिटरिंग निगरानी परीक्षण, शेड्यूल कोई तयशुदा कार्यक्रम, नोटेबली मुख्य रूप से, अनरिलेंटिंग जो रुकने का नाम ले निष्ठुर हो कठोर हो, लिस्टिमेट जो लीगल हो लाफुल हो वैध हो जायज हो, एग्रीगेशन समुच्चय एकीकरण एकत्रीकरण इकट्ठा होने का कलेक्टिव होने का कार्य, ट्रांसमिशन एक से दूसरे में जाने का कार्य, एग्रीवेटेड और बदतर कर दिया बुरा कर दिया, स्नोबाल्ड तेजी से बढ़ गया, एक्सेप्शंस अपवाद और प्रोटोकॉल कुछ सुनिश्चित नियम, ठीक है। और ये वर्ड से बच्चों देख रहे होंगे आप एप्रिहेंशन को कैसे यूज करें, रिजम्पशन को कैसे यूज करें, फ्रस्ट्रेशन को कैसे यूज करें, मास गैदरिंग्स को कैसे यूज करें, ठीक है। आप ये सारे वीडियोस देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये बच्चों वो वीडियोस हैं जो अगर आपने न देखे हो तो जरूर देख लें आप, ये मैं लास्ट में डाल दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे नहीं देख पाए हों वो इनके द्वारा भी अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। आज बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था लेकिन अंततः फाइनली अल्टीमेटली ये वीडियो आपके लिए है तैयार है बच्चों, थोड़ी जल्दबाजी में है लेकिन फिर भी समय भी इससे आपका बच जाएगा और बेहतर जो वर्ड्स में है वो मैंने बेहतर तरीके से आपको दिया, अच्छे से उनको देख लिया करें वर्ड्स, आपकी पूंजी वर्ड्स बनेंगे और ग्रामर का स्ट्रक्चर जो होगा वो बनेगा। इनको देखते जाए कहाँ पे क्या आ रहा है क्यों हो रहा है, दो बार तीन बार चार बार पैसेज को पढ़ें बच्चों, आप ये ना समझें मैं अपने लिए कह रहा हूँ, कतई नहीं, आप अगर मेरा नेचर जानते हैं तो आप समझें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एडिटोरियल ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार पढ़ने पे आपको आ जाएगा, ठीक है। आप दो बार तीन बार चार बार पढ़ें हर अगली बार देखेगा एडिटोरियल आपको इतना आनंद देगा, क्यों, क्योंकि आपको एहसास होगा कि नए नए वर्ड्स आ रहे हैं और वो वर्ड्स मैं ऑलरेडी आपको दो दो तीन तीन बार बता रहा हूं पढ़ाते समय भी उसके पहले भी और लास्ट में भी इकट्ठा करके दे रहा हूं, ये सारे तैयार करके तैयार करें। और मंडे को ऑलरेडी मैं आपको 9 बजे दिया था, मैंने हर मंडे को 9 बजे सारे जो आपने हफ्ते भर के वर्ड्स पढ़े होंगे वो सब इकट्ठा करके मैं दे दिया करूंगा ताकि आप अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, जो मेरी भी चाहत है डिजायर है और आपकी भी एक चाहत है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन कल, तब तक के लिए आप खुश रहें हमेशा और हमेशा आप खुश रहें बच्चों, ठीक है। कभी भी आप पे कोई गम का साया ना आए, इस लॉकडाउन में भी हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।